हमको इस साल भर से सुनो साहब सर ब्लैक मेल कर रहे हैं इनको घोर पैदा पैदे हम तलाब हो गए इनको कह के प्लीज सर मुझे साल एक घंटा खाली मेरा कागज मुझे पटना के संपतचक ऑफिस में अजीबोगरीब स्थिति देखने के लिए मिली जब एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। आनन फानन में आसपास के लोगों की मदद से उसे बचाया गया। दरअसल यह मामला सोमवार का है जहां महिला ने आरोप लगाया कि संपतचक के अंचलाधिकारी द्वारा उनके जमीन के मोटेशन के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वह काफ़ी गरीब है और इतना पैसा दाखिल खारिज के लिए देने में असमर्थ है। कई दिनों से अंचलाधिकारी के आग्रह के बाद भी जब उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो सोमवार को महिला ने पेट्रोल छिड़क कर कार्यालय में आत्मदाह करने का प्रयास किया। गोपालपुर थाना प्रभारी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रामकृष्णा नगर निवासी रेखा देवी का 15 धूर जमीन शेखपुरा में है। इस जमीन के दाखिल खारिज के लिए वह कई दिनों से संपतचक अंचलाधिकारी के यहां चक्कर लगा रही है। रेखा देवी ने बताया कि कर्मचारी के द्वारा उनका दाखिल खारिज का कागज तैयार करके अंचलाधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा है। इसके बाद अंचलाधिकारी दाखिल खारिज के एवज में रेखा देवी से 2 लाख रुपए की मांग कर बैठे। रेखा देवी ने बताया कि बार बार अंचलाधिकारी के घूस मांगने से परेशान होकर सोमवार को उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहां उपस्थित कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों ने किसी तरह रेखा देवी को बचा लिया। लोगों ने इसकी सूचना गोपालपुर थाने को दी। अंचलाधिकारी से इस मामले में बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। वहीं गोपालपुर थाना प्रभारी अभिषेक रंजन ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। विशेष जानकारी के लिए उन्होंने अंचलाधिकारी से संपर्क साधने की बात कही है। हमको इस साल भर से सुनो साहब सर ब्लैक मेल कर रहे हैं इनको घोर पैदा पैदे हम तलाब हो गए इनको कह के प्लीज सर मुझे साल एक घंटा खाली मेरा कागज मुझे न्याय दे हम बिना न्याय लेने नहीं उठेंगे हेलो जो मामला उसका होगा जी सर अरे उससे थोड़ा मामला का निष्पादन न किया जाएगा न्यूज़ वाला साथ के साथ क्या है सब करवा।